नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं आज दिनांक 4 दिसंबर 2019 है। आज आप देख सकते हैं कांस्टेबल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, आवेदन के लिए आपको 1 महीना दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जो है आपको 450 रुपये, और अनुसूचित जाति या जनजाति की बात करें तो उसके लिए 350 रुपये परीक्षा शुल्क है। दोस्तों 450 रुपये तो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और शहरिया आवेदकों हेतु, और MBC वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक पिछड़ा वर्ग या सामान्य के लिए 400 रुपये फीस भरनी होगी। सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 350 रुपये उनको फॉर्म भरना होगा। दोस्तों लिखित परीक्षा और प्रवेश पत्र जो है आपको विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन भी जारी किए जाएंगे और डाक से भी कोई प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पदों का वर्गीकरण है, इसमें सामान्य वर्ग महिला, आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला और OBC वर्ग महिला, MBC, SC, ST सभी की इसमें कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसियां दी गई हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक ज़िले के हिसाब से इसमें वैकेंसियां दी गई हैं। आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% इसमें आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है। दोस्तों वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जो है 14,600 रुपये जो है मासिक नियत वेतन होगा। जब आपकी ट्रेनिंग होगी उस समय 14,600 रुपये आपको वेतन देना होगा। L5 मैट्रिक्स लेवल 5 आपका जो है इसमें पे मैट्रिक्स लेवल है। भर्ती के लिए योग्यताएं जो है कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो है सेकेंडरी या 10वीं पास योग्यता रखी गई है। RAC MBC बटालियन वालों के लिए जो है मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी जरूरी है। दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2020 को आपकी जो है 1 जनवरी 2020 तक आपकी आयु हो जानी चाहिए। दोस्तों 17/5/2018 के अनुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2020 को आपको करनी होगी। कांस्टेबल सामान्य आवेदकों के लिए न्यूनतम जन्म जो है 1/1/2002 तक नहीं हो और निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो। दो पुरुष के लिए 2/1/1997 से और महिला के लिए 2/1/1992 से। इसी प्रकार SC ST के लिए दिए गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी आयु और देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु आपके लिए कितनी होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड की बात करें तो न्यूनतम ऊँचाई 61 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, 12 जिले की जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, जो कि शहरिया आदिवासी हैं उनके लिए पुरुष के लिए 160 और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना जो है 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए फुलाने के 5 फुलाने के पश्चात 86 सेंटीमीटर चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। दोस्तों पुरुषों के लिए शहरिया जनजाति के लिए 74 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए लागू नहीं है। वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए सामान्य क्षेत्र में वजन कैटेगरी कोई लागू नहीं है। दोस्तों महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। आदिवासी महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 43 किलोग्राम वेट होना चाहिए। भर्ती परीक्षा के लिए जो दोस्तों चयन प्रक्रिया उसके लिए क्या होगा, कांस्टेबल जो है कांस्टेबल सामान्य के लिए 75 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा, 15 अंक के जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। दक्षता परीक्षा इसमें लागू नहीं है। कांस्टेबल चालक के लिए 75 का पेपर होगा और 10 अंक की जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और दक्षता परीक्षा 15 अंक की होगी। विशेष योग्यता NCC या होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमे उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर नंबर जो है कांस्टेबल के लिए 10 दिए जाएंगे, कांस्टेबल चालक के लिए लागू नहीं है। अंकों का योग 100 होगा, टोटल 100 अंक का होगा। और आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या, आप देख सकते हैं विवेचन तार्किक योग्यता कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के, और सामान्य ज्ञान के जो है सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर 30 क्वेश्चन 17.5 अंक के आएंगे। महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून प्रावधानों या नियमों
की जानकारी से संबंधित कुछ अन्य वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 10 अंक के ये क्वेश्चन होंगे, बाल अपराध वाले और राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, आर्थिक स्थिति इत्यादि के 45 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और 75 अंक होंगे दोस्तों। कांस्टेबल सामान्य चालक के आवेदकों के लिए आप देख सकते हैं, टेस्ट 5 किलोमीटर दौड़ होगी, समय 25 मिनट होगा। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट का समय होगा। कांस्टेबल चालक के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट का समय, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट का समय होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ होगी और 30 मिनट दिए जाएंगे। इसी प्रकार कांस्टेबल चालक जो भूतपूर्व सैनिक जो कांस्टेबल चालक बनना चाहते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ होगी, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। शहरिया, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके लिए टेस्ट जो है 5 किलोमीटर दौड़ होगी कांस्टेबल के लिए और 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और कांस्टेबल चालक के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट का समय दिया जाएगा। देख सकते हैं आप पूर्ण इसमें प्रमाण पत्रों का भी बताया गया, आपका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह ये सब फाइनल सिलेक्शन के बाद काम में आता है दोस्तों। आपको प्रमाण पत्रों की ज़रूरत भी तभी पड़ती है। तो दोस्तों ये आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण विज्ञप्ति है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।